हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं, हम रेलवे की बात कर रहे हैं कि रेलवे के कई से में एग्ज़ाम चल रहा है, एलपी है और ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम आने वाला है, उसकी डेट भी क्लियर हो गई है, आप सबको पता है, ठीक है। एडमिट कार्ड जल्दी आ जाएंगे ग्रुप डी के भी। तो आप लोगों को सिलेबस के बारे में जानकारी बताना चाहूँगा। आप लोग को सिलेबस बताने से पहले एक बार बताना चाहूँगा ये कि इससे पहले जो भी रेलवे की भर्ती हुई थी तो उसमें जो है सिलेबस का कुछ पैटर्न कन्फर्म नहीं हुआ करता था। जैसे कुछ लोग कहते थे मेरा जो है एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है, और कुछ लोग का कहना होता है मेरा टफ़ हुआ, मेरा सेक्शन का टफ़ आया है। दरअसल कभी कभी क्या होता था, पहले के एग्ज़ाम में ऐसा पैटर्न हुआ करता था कि कुछ शिफ्ट के एग्ज़ाम में जैसे मैथ कुछ ज़्यादा पूछ ली जाती थी, कुछ में जीएस बहुत ज़्यादा पूछ ली जाती थी, कुछ में इंग्लिश के भी वर्ड्स आ जाते थे, कुछ में इंग्लिश आती ही नहीं थी। तो इस वजह से जो होता था लक पे भी डिपेंड करता था, लेकिन इस बार सबके लिए बराबर है। एक सिलेबस पैटर्न दे दिया गया है कि उस सिलेबस के अंतर्गत इतने क्वेश्चंस आने हैं, और इस बार हमारे हिसाब से तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोग ने अच्छा कम समय में अच्छी तैयारी की होगी तो सिलेक्शंस के हकदार हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पढ़ाई का भी एक सही पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये ना कि आप लोग एक बुक को लेकर रट्टा मारते रहे, ऐसा कुछ नहीं है। तो सिलेक्टिव चीज़ें ये देखिए, आज के इस टेक्निक डिजिटल ज़माने में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप गाइड लीजिए, ऑनलाइन वीडियो आप देखिए, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। शायद वो बुक में इतनी जल्दी ना मिले, क्योंकि बुक में आप लोग खुद कलेक्शन छांटेंगे बनाएंगे, काफ़ी समय लगेगा और समय बहुत कम है, एग्ज़ाम कुछ ज़्यादा दिन नहीं बचे, 15 से 20 दिन का ही है। तो आप लोग ऑनलाइन वीडियो देखें, बहुत आपको हेल्पफुल मिलेगा। अगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम बताएंगे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द प्राप्त होती रहेगी। तो चलिए, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की हम बात कर रहे हैं। तो आप लोग एलपी का, जिन लोगों ने भरा होगा, तो एलपी का जो आज का एग्ज़ाम है उसमें जो है थोड़ा सा ही बता दें कि आज के एग्ज़ाम में जो एलपी का जो आया था उसमें जो है रीजनिंग जो है काफ़ी टफ पूछी जा रही है। तो आप लोग अगर किए होंगे तो ठीक है, लेकिन वैसे है आप लोग, अब जिन लोगों ने ग्रुप डी का फॉर्म अगर भराया तो उन लोगों के लिए कुछ सिलेक्टिव है। देखिए, पहली बात तो आप लोगों का जो सिलेबस है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब कि ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पे टेस्ट होगा। जिन लोगों को कंप्यूटर नहीं फर्स्ट टाइम किया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग सेंटर में जाएंगे तो वहाँ पे एग्जामिनर होते हैं, वो आप लोगों की पूरी मदद करेंगे, आपको बताएंगे कैसे कंप्यूटर में वर्क करना है, ठीक है। कुछ ज़्यादा नहीं होता, बस माउस का ही काम होता है, बस माउस को हैंड ओवर करके को बस जो भी क्वेश्चन आ रहा है उस पर क्लिक करना होता है, आप लोगों को वहाँ पूरी मदद मिलेगी, इसके बारे में आप टेंशन बिल्कुल ना लें। जो लोग अगर फर्स्ट टाइम कंप्यूटर पे हो रहे हैं तो घबराने की बिल्कुल बात भी नहीं है। तो आप लोगों का जो पेपर होगा वो 90 मिनट का होगा, जिस 90 मिनट का होगा, ठीक है। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है, उनको 120 मिनट दिए जाएंगे, और जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 100 नंबर का क्वेश्चन होगा और टोटल 90 मिनट आपको मिले। इस 90 मिनट में आपको जो है 100 नंबर का क्वेश्चंस को हल करना है। आप देखिए, क्वेश्चंस जो है वो 4 सेक्शन में है, मैथ के क्वेश्चंस, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग और जनरल साइंस आ रही है, और जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स आ रहे हैं। अब हम आपको इस वीडियो को, आप इस वीडियो को अंत तक देखें, और इस वीडियो में हम आपको टिप्स भी बताएंगे कि आप लोग को कैसे पढ़ना है और कम समय में कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करना है। देखिए, जो मैथ्स आ रही है वो 25 क्वेश्चंस मैथ के आ रहे हैं, ठीक है, मैथ के जो क्वेश्चंस हैं वो 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं मैथ के, और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जो तर्क शक्ति है, रीजनिंग जो है वो 30 क्वेश्चंस आ रही है, और जनरल साइंस जो आ रही है तो इसमें आपकी जनरल साइंस में केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, ये 3 टॉपिक्स आएंगे जो कि 25 क्वेश्चंस आएंगे, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, मतलब जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर जो आजकल जो भी घटनाएं हो रही हैं, कोई भी पुस्तक रिलीज हो रही है, जो भी योजनाएं हैं, जो भी करंट अफेयर का डाटा है आप लोगों को वो आ रहा है, जनरल अवेयरनेस जो भी पुराने भी करंट अफेयर जो 2 साल के पुराने हैं वो भी आ रहे हो। आप लोगों को रेलवे की बात बता दी कि रेलवे में जो है 1 साल से लेकर 1.5 साल के पहले का भी करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस पूछा जा रहा है, तो इसके 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि 100 क्वेश्चंस को 90 मिनट में कैसे हल करना है। तो पहली बात तो कैंडिडेट की बात करें तो देखो, तीन लोगों की तरह होते हैं, एक फर्स्ट होता है, एक सेकेंड होता है और एक थर्ड होता है। जैसे फर्स्ट होता है वो है जो पहले से तैयारी कर रहा है तो उसको जो कुछ ज़्यादा समय नहीं लगे उसको सॉल्व करना है। सेकेंड वो होते हैं जो मध्यम में होते हैं, मीडियम में, जो तैयारी करके का एक्सपीरियंस ले चुके हैं लेकिन उतना एक्सपीरियंस नहीं है। और थर्ड जो फर्स्ट टाइम अभी एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम में बैठा हुआ उसका सिलेक्शन नहीं होगा, होगा, लेकिन उसका भी एक पैटर्न है, जो काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर है वो तो सिलेक्शन तो लेंगे क्योंकि उनको आइडिया है, और जो फर्स्ट टाइम अभी बैठे हुए हैं टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
आप लोगों को बता दें कि जो मैथ्स के 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो 25 क्वेश्चन तो आएंगे, वो तो कंफर्म है, लेकिन आपको पढ़ना क्या है वो मैं बता दूं। लगभग लगभग आप लोग जो हैं टाइम टाइम एंड वर्क का अच्छे से पढ़ लें, ठीक है, टाइम एंड वर्क को अच्छे से पढ़ लें, और परसेंटेज के चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें, एलसीएम और एचसीएफ इसको पढ़ लें अच्छे से, और रेल के क्वेश्चंस को आप लोग थोड़ा सा देख लें, ठीक है। आप लोगों को अगर बुक से प्रॉब्लम हो रही हो, क्योंकि समय कम है, तो आप लोग ऑनलाइन वीडियो चेक कर लें, आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी, अच्छी ट्रिक्स मिलेंगी। तो जो मैंने अभी टॉपिक बताया मैथ में, इतना पढ़ लें, और SI और CI मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लें, इतना मैथ में पढ़ लें, आपके 25 में से 15 मार्क्स का आप कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। मैथ्स पे ज़्यादा जोर ना दें, क्योंकि मैथ्स अगर जिन लोगों की नहीं अच्छी है कोई बात नहीं, लेकिन इसमें से आप नंबर गेन कर सकते हैं इस तीन सेक्शन से। तो जनरल अवेयरनेस में आप देखिए आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है, आप लोग जो भी योजनाएं अभी हुई हैं योजनाएं पढ़ लें, ब्रांड एम्बेसडर कौन है ये पढ़ लें, किस देश की राजधानी क्या है, उसकी करेंसी क्या है, मतलब वहाँ का रुपया क्या है, ये पढ़ लें। इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है रेलवे में, ठीक है। और किस कंपनी के CEO फाउंडर ये कौन है, ये आप लोग अच्छे से पढ़ लें, और बाकी का जो करंट अफेयर पुराना है, जो 6 महीने का है 1 साल का, वो आप पढ़ें। जो मैंने अभी बताया है जो करंट अफेयर में, वो आपको ज़रूर पढ़ना है। और जनरल साइंस की बात करें तो केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स में पढ़ना है। तो हम बायोलॉजी की बात करें तो जैसे कि बायोलॉजी में डिजीज़ पढ़ने, मतलब बीमारी, बैक्टीरिया के द्वारा कौन सी बीमारी है, वायरस के द्वारा कौन सी बीमारी है, और कवक मतलब फंजी के द्वारा कौन सी बीमारी है, तो ये पढ़ लें। बीमारी से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, आप लोग विटामिन्स पढ़ लें, विटामिन्स किस विटामिन की कमी से क्या होता है, वो कौन सी विटामिन का रासायनिक नाम है, ये भी आप लोग अच्छे से पढ़ें। और टॉपिक्स हैं जो आपको बता दें, जैसे कि मैंने अभी पिछला वीडियो अभी देखिएगा मेरा इस चैनल के माध्यम से, मैंने अभी आज एक वीडियो लोड किया है जो कि बायोलॉजी के जनक कौन है, जैसे इकोसिस्टम के जनक कौन है, इकोलॉजी के, इन्वायरमेंटल के, जेनेटिक के, साइटोलॉजी के, इनमें से एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा रहा है, जैसे मैंने साइटोलॉजी के जनक कौन है या माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, तो इस टाइप के आप क्वेश्चन आ रहे हैं साइंस में। और केमिस्ट्री में आप जो हैं जैसे बेकिंग सोडा, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, या ये किस काम में आता है, ये पढ़ लें। और केमिस्ट्री से जो एलिमेंट्स पूछे जा रहे हैं कि जैसे कि कार्बन का संयोजकता कितनी है, और पीरियोडिक टेबल में जो टोटल अभी तक कितने एलिमेंट्स ज्ञात हो चुके हैं, और कितने एलिमेंट नेचुरली हैं, और कितने जो है कृत्रिम पाए गए हैं, इस टाइप के केमिस्ट्री में क्वेश्चंस आ रहे हैं रेलवे में। और केमिस्ट्री से और थोड़ा सा बता दें तो एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पूछा जा रहा है कि अगर NaCl की इससे अभिक्रिया करने पे कौन सा क्या प्रोडक्ट हो रहा है, कभी कभी एक दो क्वेश्चन मिल रहा, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं, केमिस्ट्री से भी कुछ खास नहीं। और बाकी जो जो है अमोनिया किससे प्राप्त होती है, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में जो आप जो है सबकी यूनिट पढ़ लें, ठीक है, यूनिट पढ़ लें, जैसे SI मात्रक SI पढ़ लें, तो यूनिट पढ़ लें आप लोग की, जैसे एम्पियर किसका मात्रक है, ठीक है, और जूल किसका मात्रक है, ये सब पढ़ लें। सदिश राशि अदिश राशि क्या होती है, ये पढ़ लें आप लोग फिजिक्स में। और फिजिक्स में जो है आप लोग जो है जो भी फिजिक्स में जो मैंने बताया वो पढ़ें। और बचत बायो तो बता दी, केमिस्ट्री बता दी, और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आप एज के चैप्टर को अच्छे से लगाएं, एज के चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं मैथ इसमें रीजनिंग्स में। और एज के चैप्टर के बाद जो है कोडिंग और डिकोडिंग के 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, एक तो नंबर वाली भी आ रही है और अल्फ़ाबेटिकल मतलब ABCD वाली भी आ रही है, ये पढ़ लें। और जो है सीटिंग अरेंजमेंट भी अब पूछा जा रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो ज़्यादा टफ नहीं पूछा जा रहा है, बहुत ही सिंपल पूछा जा रहा है, तो 1 से 2 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का आ रहा है। और डायरेक्शंस के क्वेश्चन पढ़ लें, जो दिशा वाले होते हैं कि मोहन 10 किलोमीटर बाएँ चढ़ा फिर दाएँ मुड़ा, इस टाइप के क्वेश्चन रीजनिंग में आ रहे हैं, ये चैप्टर को पढ़ लें अच्छे से। और जनरली कोडिंग डिकोडिंग आ रही है और कुछ नहीं, और कभी कभी जो है थोड़ा सा और ब्लड रिलेशन जो भी पढ़ लें, ये पूछा जाए 2 से 3 क्वेश्चन ब्लड पूछा जा रहा है कि मोहन के पिता उसके चाचा के नानी के भाई के लड़के हैं ऐसा, तो ब्लड रिलेशंस को आप पढ़ लें, ये बहुत 2-3 से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग जो भी टॉपिक पढ़े एकदम सेलेक्टिव पढ़े, ज़्यादा भागे नहीं और टेंशन बिल्कुल भी रख लें, जितना मैंने टॉपिक बताया इसको आप सर्च करके यूट्यूब से पढ़ें, क्योंकि समय काफ़ी कम है, यूट्यूब पर आपको अच्छी अच्छी ट्रिक्स मिल जाएंगी। आप और मेरे चैनल पर आप देखिएगा, आपको कुछ नोट्स भी दिए गए हैं, और जनसंख्या से वृद्धि जैसे जनगणना ये सब मैंने वीडियो डाल रखे हैं, क्योंकि जनगणना से 2 से 3 क्वेश्चन GS में पूछा जा रहा है, जनरल अवेयरनेस में जनगणना आ रही है, 2 से 3 से क्वेश्चन आपको जनगणना से पूछे जा रहे हैं, ठीक है।
और पर्यावरण पर्यावरण का भी मैंने जो है वीडियो डाल रखा है, आप लोग पर्यावरण भी देख सकते हैं। पर्यावरण उसमें सिलेक्टेड पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आ रहे हैं, तो आप जीएस में इतना कवर कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। देखिए आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो ये बेल आइकन होगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें, ठीक है? थैंक यू सो मच, आपका रिएक्शन हो ये मैं यही चाहता हूँ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।